सीआरसी सुंदरनगर में आरआरसी सेंटर की स्थापना करने के लिए निगम की टीम ने दौरा करके वस्तु स्थिति का जायजा लिया। सीआरसी सुंदरनगर की प्रभारी डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय कृत्रिम अंग पुनर्वास निगम चंडीगढ़ मोहाली के अधिकारियों के दल ने यहां दौरा करके आरआरसी सेंटर स्थापित करने को लेकर जगह चिन्हित की गई है। इस सेंटर के स्थापित होने से विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित दिव्यांगजनों को तमाम तरह के उपकरण और अन्य सुविधाएं अब हाथों हाथ मिलेगी। नमस्कार, मैं आप सबको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि एलिम्को की टीम सीआरसी का दौरा किया है और सरकार की तरफ से ये प्लान है सीआरसी सुंदरनगर में आरआरसी खोलने का, जिसका संभावना है कि 10 मई को हमारे सचिव महोदय इसका उद्घाटन करेंगे, जिससे जितने भी हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग भाई बहन हैं उनको स्पॉट पे जो आर्टिफिशियल लिम्स की व्यवस्था की जाएगी, और चाहे वो असेसमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक नए तरीके से नए कलेवर के साथ सीआरसी सुंदरनगर करने जा रहा है, जिससे हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग भाई बहन, विशेष रूप से जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो दिव्यांग हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। तो हमारी टीम की विजिट संपन्न हो गई है, मैंने उनको अपने पीएनडो वर्कशॉप का विजिट कराया और जो भी संभावनाएं बनती है जगह की उनको हम जगह प्रोवाइड कराएंगे और अच्छी तरीके से आरआरसी हम खुलवाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ईश्विंदर सिंह और मेरे साथी अशोक साहू, हम भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम से आज सीआरसी सुंदरनगर की विजिट पे आए थे। यहाँ पे मंत्रालय की तरफ से हमें ऐसा डायरेक्टिव्स हैं, एक आरआरसी सेंटर ओपन करना है जिसमें दिव्यांगजनों को हाथों हाथ सामान देने का प्रावधान है। अभी प्रेजेंट सिस्टम क्या है, हर ज़िले में असेसमेंट कैंप लगते हैं, परीक्षण शिविर लगते हैं, पहले उसमें दिव्यांग आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वितरण शिविर कई बार 1 महीने, कई बार 2 महीने, कई बार 6 महीने भी लगते हैं, उसको दिव्यांग को दूसरी बार 6 महीने बाद आना पड़ता है और सामान मिलता है जो उसकी ज़रूरत का है। वो इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए ये आरआरसी सेंटर खोला जा रहा है। इसमें हम पहले से ही कुछ सामान को रखेंगे, दिव्यांग आएगा, अपना डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा और जो उसको अपनी दिव्यांगता के हिसाब से सामान की ज़रूरत है वो हाथों हाथ लेके जाएगा। उसको पर देखते हुए आज सीआरसी सुंदरनगर में प्रभारी अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह जी के साथ हमने क्या स्पेस अवेलेबल है, क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लैब्स है, उसका एक मुआयना करने के लिए आए थे और हमें सर ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया सब स्पेस वहाँ अवेलेबल है, लैब्स अवेलेबल हैं और यहाँ सेंटर हमें 10 मई तक खोलने का इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला है और मुझे लगता है हम 10 मई तक इसको शुरू कर लेंगे।